तो इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान सामने आया है। पुतिन ने किया है सीज फायर का ऐलान। तो पहली बार पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया है। 6 और 7 जनवरी को नहीं होगा यूक्रेन पर हमला। क्रिश्चियन धर्मगुरु की अपील पर यह फैसला लिया गया है। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के चलते ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि रूस में मनाया जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। 7 जनवरी को मनाया जाएगा ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। तो कई देशों में मनाया जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। रूस, ग्रीस, इथियोपिया और इजिप्ट में मनाया जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान सामने है। पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया है। 6 और 7 जनवरी को नहीं होगा यूक्रेन पर हमला। तो 7 जनवरी को मनाया जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। कई देशों में मनाया जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। रूस, ग्रीस, इथियोपिया और इजिप्ट में मनाया जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस।